अब सबसे इम्पोर्टेंट न्यू फाइनेंशियल ईयर से भंवर, न्यू जो टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट हो गई है. आपको अगर न्यू टैक्स रिजीम, अगर आपको कोई भी टैक्स रिजीम चुननी है तो आपको अब ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनना होगा. न्यू टैक्स रिजीम अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी. तो कई जो निवेशक हैं, टैक्स पेयर्स हैं, वो सवाल हमसे पूछते हैं कि कहां पर उन्हें ज्यादा फायदा है. तो टैक्स रिजीम कैसे चुने, पुरानी टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम में कहां पर उनको ज्यादा फायदा होगा, किन के लिए बेहतर है पुरानी टैक्स रिजीम. स्वाति जी, आपने जो पूछा कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन सा बेनिफिशियल है, तो सबसे पहले अपने जितने भी व्यूअर है उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें स्लैब रेट चेंज हो गई है. स्लैब रेट अप टू 3000 तक की आपकी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता. 3 लाख से लेकर 6 लाख तक 5% है. 6 लाख से लेकर 9 लाख तक आपका 10% रहेगा. 9 लाख से लेके और आपका 12 लाख तक आपका जो है वो 15% रहेगा. 12 लाख से 15 लाख तक आपका 20% रहेगा. एंड 15 लाख से ऊपर जितना भी इनकम रहेगा उस पर आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा. ये बड़ा ही अट्रैक्टिव स्लैब रेट लगता है, लेकिन उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं, बहुत सारे एग्जेम्पशन डिडक्शन है जिसको आपको छोड़ना पड़ता है. अगर मैं एक एक हेडवाइज बात करना चाहूं तो सैलरी में जो आपको एचआरए का एग्जेम्पशन मिलता है वो एचआरए का एग्जेम्पशन आप नहीं ले पाएंगे. लीव ट्रेवल कंसेशन का जो एग्जेम्पशन मिलता है वो आप लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट, जब आपका एम्प्लॉयर आपको कहीं घूमने के लिए भेजता है, वेकेशन पे जा रहे हैं और उसमें ट्रेवल का बेनिफिट उन्होंने एम्प्लॉयर ने पे किया है तो उसमें एग्जेम्पशन मिलती है. हमारे इनकम टैक्स में वो एग्जेम्पशन का आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी में देखता हूं तो अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिस घर में आप रहते हैं और आपने लोन लेके आपने वो घर खरीदा है तो उसमें 2 लाख रुपीज का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, वो आपको नहीं मिल पाएगा. उसके साथ साथ में अगर मैं डिडक्शन की बात करूं, जितने भी आप डिडक्शन की बात करेंगे, ATC है, ATD है, ATDD है, ATDD भी है, उसके साथ साथ में सेविंग इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, वो आपका 10,000 तक डिडक्शन मिलता है, तो वो सब आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्सेशन रिजीम में जाते हैं. लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में जाते हैं तो उसमें 2,50,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता. 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर जितना भी इनकम रहेगा उस पर आपको 30% टैक्स पे करना रहता है. तो आपको अभी से ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके डिडक्शन एग्जेम्पशन कितने हैं. अगर आपके डिडक्शन एग्जेम्पशन है जहां पे आपने ATC में कुछ इन्वेस्ट किया है या ATD हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसके साथ में आपको हाउस प्रॉपर्टी में जो डिडक्शन का बेनिफिट है वो है, आपकी सैलरी की बेनिफिट्स है, HRA है, लीव ट्रेवल कंसेशन है, तो वो सब बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए और आपको देखना है कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है या ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है. मैं बताना चाहूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी वेबसाइट पे एक बहुत ही प्यारा सा कैलकुलेटर डाल रखा है. जितने भी व्यूअर है वो व्यूअर जाके उस कैलकुलेटर में अपनी इनकम या अपनी डिटेल डालेंगे तो उसको वो कैलकुलेटर बता देगा कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजिम है वो ज्यादा बेनिफिशियल है.